ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग के वन यू आई 7.0 विथ एंड्रॉयड 15 अपडेट के बारे में। फाइनली सैमसंग ने बीटा अपडेट जो है वो वन यू आई 7.0 की रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक्जैक्टली इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंट्रोल सेंटर के बारे में। वन यू आई 7.0 में कौन सा कंट्रोल सेंटर हमें देखने के लिए मिलने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सैमसंग यहां पे वन यू आई 7.0 में काफ़ी सारी चेंजेस करने जा रहा है और बेसिकली कंट्रोल सेंटर में भी काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन जो है वो की गई है। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पर देख सकते हो कि वन यू आई 6.1 की कंट्रोल सेंटर जो है वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ये एक लेटेस्ट अपडेट की कंट्रोल सेंटर है। बाकी यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन सारी फीचर्स हमारे को 6.1 वाले कंट्रोल सेंटर में मिल जाती है। पर दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम स्लाइडर जो है वो मिसिंग है, और काफ़ी ऐसी कंपनी है जैसे कि iOS के अंदर यानी कि आईफोन के अंदर हो गए, फिर से और भी स्मार्टफोन्स हो गए, रियलमी, रेडमी, ठीक है, हाइपर ओएस, ठीक है, ओप्पो, इन सभी फ़ोन्स के अंदर कंट्रोल सेंटर में बेसिकली जो है ना वो वॉल्यूम की स्लाइडर हमें देखने के लिए मिल जाती है। पर हमारे सैमसंग के वन यूआई में अभी तक वॉल्यूम स्लाइड का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिला है। तो फाइनली सैमसंग उसे जो है वो वन यूआई 7.0 में डालने जा रहा है, ठीक है। वो फीचर्स आपको अब कंट्रोल सेंटर में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पर देख सकते हो कि पहले की कंट्रोल सेंटर कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें वॉल्यूम स्लाइडर जो है वो मिसिंग है। बाकी जो वन यू आई 7.0 की न्यू कंट्रोल सेंटर आई है उसमें वॉल्यूम की स्लाइडर ऐड की कर दी गई है, जो कि हमारे हमारे कंट्रोल सेंटर को काफ़ी कूल सा लुक देता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एनिमेशन को चेंज किया गया है, फॉन्ट स्टाइल को चेंज की गई है। बाकी फ्रेंड्स, आपको जो है ना वो टॉगल्स भी जो है ना वो चेंज देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ साथ एक ही लाइन में जो है वो दो स्लाइड्स ऐड किए गए हैं, एक वॉल्यूम की स्लाइड्स दी गई है, एक ब्राइटनेस की स्लाइड्स दी गई है, ठीक है। और आइकन्स जो यहाँ पे चेंज किए गए उसके कलर को भी काफ़ी हद तक चेंज करने की कोशिश की गई है। बाकी फ्रेंड्स, चैट जीपीटी का ऑप्शन इंक्लूड कर दिया गया है कंट्रोल सेंटर में। और नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो ऐप नोटिफिकेशन आपको काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिलेगी वन यू आई 7.0 में। अलग अलग सेक्शन बना के यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन आने वाली। तो आज के इस न्यू वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।